इतने लोग बैठे हैं। पंडित कभी जजमान को कहा कि जजमान बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए? कोई आदमी बोलिए ईमानदारी से, किसी को आज तक नहीं कहा। वो अपना बेटा बेटी के पढ़ाने के जोगाड़ में है, जजमान को कभी नहीं कहा कि बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए। जजमान को कभी नहीं कहा मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, तारी दारू नहीं पीना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पति की आज्ञा करना चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए, किसी को कहा आज तक? किसी को नहीं। वो क्या राय देगा ये महिला सबके? कहेगा जजमानी छठ करे के चाहिए, जितिया करे के चाहिए, तीज करे के चाहिए, करवा चौथ माने झूठ वादा कि करवा चौथ करब आ तीज तो अपने के पति के आयु बढ़ जाए। जितना इस सृष्टि में पति आया पत्नी सब मर गया कि है ये, आ जो है सो मरेगा कि रहबे करेगा? केवल झूठ। जितिया करवाया बेटा के लिए, आ जितना बेटा हुआ, हम लोग भी बेटा है किसी के, मरेंगे कि रहेंगे? मेरी माँ रहेगी कि मरेगी? सबको मर जाना है। अब मौत में आप जितिया से केवाड़ी लगाते हैं कि मौत को बंद कर देंगे? करवा चौथ करके, कर्मा धर्मा करके, तीज करके मौत में आप केवाड़ी लगाना चाहते हैं? ये सारा गलत काम, झूठ काम ये पंडित आपसे कर, और आप करते जा रहे हैं, रुपया को खर्च करते जा रहे हैं। आपका पति चिमनी में बेचारा ईंटा पार रहा है, आपका पति म्यान में से पका हुआ ईंटा निकाल रहा है, बेचारा के पूरे देह पर कोयला का राख पर के भूत बना हुआ। आ आप घरे बैठल एगो मैक मंगवा ले ली, जाग जाग महादेव। आ मर्दाबा के उन्हें प्याज गिरी है मद्रास, आ जनाना इन्हें जागा जागा महादेव कह दे। यही सब तमाशा चल रहा है। बेचारा कबोरा ढोते ढोते उसका पति बेचैन है, आई मलार गा रही है जागा जागा महादेव। आ एगो बात और ना देखिए, होशियार कितना है, कहती है हरिंदर भैया, तो भैया के पत्नी के लगेगी रिश्ता में? भैया के पत्नी तो नीलम के भाभी ना कहना चाहिए, और ना नीलम अगर दीदी है तो दीदी के दुल्हा जीजा जी, तो हरिंद्रानंद के जीजा जी कहे के चाहे? एको गो रिश्तो ठीक नहीं है, के समझाएगा, के बुझाएगा? सही गलत का भी ज्ञान नहीं है मनुष्य के पास। बंधुओं विचार कीजिए, साहेब कबीर रात रात भर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहेब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांगते थे, और सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। अगर सुख से जीना है, सुख जीवन में पाना है, तो काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, उपलब्धि करनी होगी, आमदनी करना होगा, तब आपका जीवन सुखमय बनेगा। लेकिन ये चाहिएगा झाल बजा के आ चर्चा करके मेरे जीवन में सुख आ जाए, ये कतई संभव नहीं। हम तो कहते हैं सदगुरु कबीर के चर्चा करके, कितने कबीर पंथी भजन गाते गाते बुढ़ा के मर गए, अब बेचारे के जीवन में कोई सुख नहीं आया। मरे हैं ऐसे लोग, सुख नहीं आया। आप गीत गाने, हाँ ये बात जरूर है, गीत परदेशी जी भी गाते हैं, आ तबला चंद्रहास भी बजाते हैं। अगर आपका कार्यक्रम सही है, जनता को अच्छा लग रहा है, तो जनता आपको जरूर नोट देगी, और उस नोट से आपको सुख हो जाएगा।
लेकिन चर्चा सिर्फ चर्चा में कौन नोट है? जब उसे मुक्ति मिल जाएगी और सुख शांति मिल जाएगी आपके जीवन में, कैसे हो जाएगा? गीत गाने से मात्र, हाँ गीत गाया भरत शर्मा व्यास, भोजपुरी लगन लगाया, रुपया कमा लिया, सुख से जिया। तो बंधुओं बिना परिश्रम के, तो गीते में परिश्रम किया भरत शर्मा व्यास, आप सिनेमे में परिश्रम कीजिए, आप सर्कसे में परिश्रम कीजिए, आप क्रिकेटे खेलने में परिश्रम कीजिए, आप बिजनेसे करने में परिश्रम कीजिए, आप नौकरी करने में परिश्रम कीजिए, आप मवेशिये पालने में परिश्रम कीजिए, आप खेतिये करने में परिश्रम कीजिए। जहां परिश्रम होगा, आपका परिश्रम जब खेत में जाएगा तो खेत हीरा मोती उगल देगी। सत सत मन के कट्ठा लोग आज मकई उपजा रहे हैं। जब परिश्रम जाएगा खेत में तो गेहूं मकई तोरी आलू गोभी से रुपया से आपका घर भर जाएगा। आपका परिश्रम जाएगा गाय भैंसी के निकट तो दूध दही घृत मक्खन मलाई से बिक करके रुपया से आपका घर भर जाएगा। आपका परिश्रम जाएगा बिजनेस में रुपया से आपका घर भर जाएगा। आपका परिश्रम जाएगा नौकरी में रुपया से आपका घर भर जाएगा। आपका परिश्रम जाएगा अखाड़ा में तो आप पहलवान हो जाएंगे, वहीं से आपको आमदनी मिल जाएगा। लेकिन बिना परिश्रम के गीत गा के और भगवान के पूजा करके, बंधुओं अगर सुख पाना है तो सब लोग मेहनत कीजिए, सब लोग मेहनत कीजिए, धन कमाइए, पक्का का घर बनाइए, स्कॉर्पियो बोलेरो पर चढ़िए, बेटी के विवाह में 10 लाख 20 लाख खर्च कीजिए, बेटा बेटी को अच्छा अच्छा कन्वेंट विद्यालय में ले जाकर के पढ़ाइए, सुख और शांति से जिए।